हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, अभी मेरा सुबह का सारा काम हो गया है। बच्चे तीनों स्कूल चले गए हैं, चारों, नंदिनी भी चली गई है और मिष्टी भी चली गई है। 9 बजे जाती है, नहीं 9:15 बजे जाती है, 9 बजे का स्कूल है तो वो भी चली गई है। और मेरी पूजा की है अभी अभी, और अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय गर्म करने के लिए। बनाई थी तो थोड़ी ठंडी हो गई है, उसे गर्म करूँगी और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी बच्चों के स्कूल। जो डॉक्यूमेंट मैं कल फोटोकॉपी निकालवा के लाई थी वो सब सबमिट करने हैं स्कूल में, तो बस वहीं जाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपको। फ्रेंड, ये देखिए खाना मैंने बना दिया है ठाकुर जी को भोग लगा करके, और ये कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धुलने डाल दिए मैंने मशीन में और मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ से बच्चों के स्कूल के लिए, क्योंकि 11 बज गए हैं, 12:30 बजे फिर स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो मुझे ना कल मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट जमा करने हैं स्कूल में, तो बस मैं वही जमा करने के लिए जा रही हूँ और मिलती हूँ मैं आपको वहाँ से आने के बाद। तो ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। सुबह से तो मौसम ठंडा हो रहा था, एकदम बादल छाए हुए थे, और अभी एकदम से धूप निकल आई है, बहुत तेज़ गर्मी होने वाली है। तो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से, और स्कूल से सीधे मैं गई थी पहले मार्केट, और ये लेकर के आई हूँ, ये अस्तल लेकर के आई हूँ। और अस्तल मैं किस लिए लाई हूँ अभी दिखाती हूँ आपको। तो मेरे पास ना ये कपड़ा रखा हुआ था, इसमें से मैं आज सिलूँगी मिष्टी के लिए फ्रॉक। कल ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, रिधिमा के लिए वो ड्रेस सिला था तो बोल रही थी कि मम्मा आप इन्हीं के लिए सिलती रहती हो, मेरे लिए कुछ नहीं सिलती हो। तो बस मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि कल मैं आपके लिए, आप आओगे तब तक फ्रॉक बना के रखूँगी। अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ धूप में, धूप बहुत तेज़ हो रही थी, इतनी गर्मी लगने लगी। बस यहाँ से स्टॉप तक ही पैदल जाती हूँ, और वहाँ से स्टॉप से घर तक पैदल आना होता है, तो क्योंकि ई रिक्शा ऑटो वगैरह अंदर तक नहीं आते हैं। तो ये देखिए आप कितनी तेज़ धूप है, बहुत ही तेज़ धूप है, इतनी गर्मी लगने लग गई बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसकी फ़्रॉक आज सिल के तैयार करूँगी, नहीं तो आकर के बहुत गुस्सा करेगी, आपने देखा ही होगा उसका गुस्सा। तो फ्रेंड, स्कूल से आने के बाद मैंने ना आधा घंटा रेस्ट किया, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी और मेरी हालत ना धूप में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड, मैंने आधा घंटा आराम किया आ करके, और फिर तब तक बच्चे भी आ गए थे, तो फिर बच्चों को खाना वाना दिया, खाना वाना खाया उन्होंने, और फिर मैं यहाँ लग गई हूँ मिष्टी की फ्रॉक की कटिंग करने के लिए। तो स्कूल से सीधे मैं चली गई थी मार्केट, मार्केट से मैंने ये अस्तल लिया था, क्योंकि जो कपड़ा है उसका मैं जो फ्रॉक सिलूँगी वो बिना अस्तल के सिला नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी बिना अस्तल के। तो बस ये अस्तल लेकर के आई थी मार्केट से, और ये शुरू कर दिया मैंने मिष्टी के लिए फ़्रॉक की कटिंग। और बोल रही थी यार, आने के बाद ही बोल रही थी, मम्मा आपने मेरा फ़्रॉक सिल दिया या नहीं सिला अभी? तो मैंने बोला बेटा आज आपके स्कूल गई थी तो उसमें टाइम थोड़ा लग गया, मैं सिल नहीं पाई हूँ, अभी सिल दूँगी। तो ये देखिए ये हो गई है ऊपर की चोली की कटिंग, और अभी मैं फ्रॉक का घेरा कटिंग करूँगी यहाँ से। तो घेरा जो है मैं बिना चुन्नट वाला बनाऊँगी, यानी कि अम्ब्रेला कट वाला घेरा बनाऊँगी, वही अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, चुन्नट वाले ज़्यादा घेरे अच्छे नहीं लगते हैं छोटे बच्चों की फ़्रॉक में, अम्ब्रेला कट वाले घेरे अच्छे लगते हैं। तो बस मैं वही कटिंग कर रही हूँ, और ये देखिए ये नाप ले लिया था मैंने अच्छे से मिष्टी का, और उसी के अनुसार मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, चोली की कटिंग कर दी है, अभी ये नीचे का घेरा भी कट कर दिया है मैंने, ये देखिए। और ये मिष्टी बहुत ही खुश हो रही थी, बार बार देखने के लिए आ रही थी, मम्मा कैसे कटिंग कर रही हैं, कब तक सिलेंगी, बार बार पूछ रही थी मम्मा कितनी देर में तैयार हो जाएगी मेरी फ़्रॉक, कितनी देर में सिल जाएगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करती रहती है पास में बैठ जाए तो। और ये देखिए ये अस्तल की कटिंग करने के बाद अभी मैं, ये कपड़ा है फ्रॉक का जो मैं जिसमें से फ़्रॉक सिलूँगी, तो ये है बस, इसके अस्तल को रख रख के उसी तरीके से मैं काट लूँगी। और ये देखिए फिर उधर चली गई थी उस वाले रूम में, फिर यहाँ पर आ गई वापस, इसका मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बार बार देख रही है कि कितनी सिल गई कितनी कट गई, और पूछती रहती है मम्मा कितनी देर में तैयार हो जाएगी।
और ये घेरा काटने के बाद मैं यहाँ पर काट रही हूँ बेल्ट, उसमें लगाने के लिए साइड में बेल्ट जो लगाई जाती है फ्रॉक में, बस वो कटिंग करने के बाद। और फिर मैं बैठ गई हूँ मशीन पर सिलाई करने के लिए। और अस्तल वाला फ्रॉक है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें सिलने में, क्योंकि डबल डबल सिलाई की जाती है इसमें। और ये देखिए चोली अस्तल और वो कपड़ा मैंने चोली का पिन लगा करके, आल पिन लगा करके सेट करके तब सिलना पड़ा है मेरे को, ताकि वो सेट रहे अच्छे से, इधर उधर भागे ना। और मैं तब तक सिलाई करी है मैंने, तब तक मिष्टी यहीं मेरे पास ही बैठ करके खेलती रही है, यहाँ से मेरे पास से हिली नहीं है कहीं भी। और बार 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 मशीन पर भी आ करके देख रही थी कितना सिल गया, मम्मा क्या हो गया, अब क्या लगा रही हो, अब क्या कर रही हो, ऐसे करके बार बार पूछने लग रही थी। तो ये देखिए फ्रॉक सिल करके हो गया है तैयार। बस इसमें ना चैन नहीं लगी है, क्योंकि चैन लाना मैं भूल गई थी, तो मैंने ना हुक लगा दिए हैं पीछे, और हुक लगा करके फ्रॉक हो गई थी रेडी। और मिष्टी ने पहन लिया था फटाफट, इतनी खुश हो रही थी पहनने के बाद, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बाय फ्रेंड।